पंच कल्याण के आया मंगलकारी। ये महा महोत्सव, ये महा महोत्सव, ये महा महोत्सव, पंच कल्याण के आया मंगलकारी। ये महा महोत्सव, ये महा महोत्सव। समय जब आता है प्रभु बारह भावन भाते हैं, प्रभु बारह भावन भाते हैं, तब ब्रह्म लोक से लोकातिक आधन्य धन्य यश गाते हैं। विषयों का रस फीका पड़ता, विषयों का रस फीका पड़ता, चेतन रस में लल जाते हैं, चेतन रस में लल जाते हैं। तब भेष दिगंबर धार प्रभु संयम में चित्त लगाते हैं, संयम में चित्त लगाते हैं। ये महा महोत्सव, ये महा महोत्सव, पंच कल्याण के आया मंगलकारी। ये महा महोत्सव, ये महा महोत्सव। नवदा भक्ति से पड़ गाहे है मुनिवर यहाँ पधारो तुम, हे मुनिवर यहाँ पधारो तुम, हे गुरुवर अत्र अत्र तिष्ठो, निर्दोष अशन कर धारो तुम, निर्दोष अशन कर धारो तुम। ओ, हे मन वचतन आहार शुद्ध, मन वचतन आहार शुद्ध, अतिभाव विशुद्ध हमारे हैं, अतिभाव विशुद्ध हमारे हैं। जन्मांतर का ये पुण्य फला, जन्मांतर का यह पुण्य फला, श्री मुनिवर आज पधारे हैं, श्री मुनिवर आज पधारे हैं। ये महा महोत्सव, महोत्सव, पंच कल्याण के आया मंगलकारी। हे महा महोत्सव, हे महा महोत्सव, अंतराय रहित गुरुवर ने जब आहार किया, गुरुवर ने जब आहार किया, देवों ने पंचाश्चर्य किए, मुनिवर का जय जयकार किया, मुनिवर का जय जयकार किया। है धन्य धन्य शुभ घड़ी, आज आंगन में चिदानंद रस पान है, तू मुनिवर ने चरण बढ़ाया है, मुनिवर ने चरण बढ़ाया है। ये महा महोत्सव, ये महा महोत्सव, पंच कल्याण के आया मंगलकारी। ये
महामहोत्सव, ये महामहोत्सव। कल्याणक आया मंगलकारी, ये महामहोत्सव, ये महामहोत्सव, ये महामहोत्सव। पंच कल्याणक आया मंगलकारी, ये महामहोत्सव, ये महामहोत्सव। जिनेंद्र बंधुओं, आपको ये बताते हुए अति हर्ष हो रहा है कि आज हम आगरा आए हुए हैं, जहाँ पर श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, जो कि हमारा हरि पर्वत पर स्थित है, और यहाँ पर यहाँ की समिति से मिलने आए हैं, क्योंकि बहुत ही जल्द यहाँ पर 14 तारीख से, यानी 14 जून से, आगामी 14 जून से एक भव्य पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव होने वाला है। तो यहाँ की समिति से जानते हैं कार्यक्रम के विषय में। और मित्रों, अब है हमारे साथ कार्यक्रम के मुख्य संयोजक श्री मनोज जी जैन। तो इन्हीं से पूछेंगे कि कार्यक्रम की रूपरेखा और अब तक कितनी तैयारियां चल रही हैं, कितना मन प्रफुल्लित है और कितनी थकान महसूस हो रही है। देखिए, मुख्य बात यह है कि पहली बार हमारे यहाँ एक पूरा आगरा मिलके पंच कल्याणक करा रहा है। अभी तक कॉलोनीज के होते थे, न्यू टेंपल्स के होते थे, लेकिन आगरा दिगंबर जैन परिषद जो 90 वर्ष की प्राचीन संस्था है, वो एक अम्ब्रेला की तरह है। उसके अंडर में 72 जिनाले आगरा के वो सब आते हैं, और उन जिनालयों के ऊपर की ये संस्था, उसका स्वयं का मैनेज्ड एक ही जिनालय है, जो नेमिनाथ दिगंबर जैन मंदिर प्राचीन नसिया है, और उसी नसिया के अंदर ये नवीन मानसतम बन रहा है, जिसमें 24 जिनबिंब विराजित हो रहे हैं, और उन्हीं जिनबिंबों का पंच कल्याणक 14 तारीख से लेकर 21 तारीख तक एमडीजन इंटर कॉलेज ग्राउंड, जो कि ऐतिहासिक ग्राउंड है आगरा का, उसमें एक विशाल भव्य पांडाल बनाकर चर्या श्रोमणी आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज और उनके संघ के 52 सानिध्य में किया जाने वाला है। ज़बरदस्त तैयारियां चल रही हैं इस वक्त। तमाम महिला मंडल, अलग अलग कॉलोनीज, मोहल्ले, सारे के सारे लोग इस समय जुटे हुए हैं, और 14 तारीख को देखिएगा आप, यहाँ का बिल्कुल नज़ारा ही अलग होने वाला है, उसका इंतज़ार कीजिएगा। मित्रों, कहते हैं किसी काम को ठान लें तो ईश्वर की कृपा भी उसमें भरपूर होती है, और जब वो कोई धार्मिक कार्यक्रम हो तो इसमें तो बस पूछिए ही नहीं, कहाँ से अर्थ की व्यवस्था होती रहती है पता ही नहीं चलता। ये अक्सर मंदिरों में मैंने देखा है। आज हमारे बीच आगरा जैन मंदिर के कोषाध्यक्ष जी भी हैं, तो हम इनसे जानते हैं कि पंच कल्याणक के लिए हमें बहुत सी रूपरेखाएँ बनानी होती हैं, भारी भरकम धन धान्य की व्यवस्था करनी होती है, ये सारी चीज़ें आप मैनेज कर रहे हैं, कितना मुश्किल रहता है आपके लिए? कोई मुश्किल नहीं होता है जी, ये प्रभु की व्यवस्था है और अपने आप होती है।
और यहाँ आगरा का परिवेश में ये काम सहजता से होते हैं। किसी चीज़ के लिए कोई एनर्जी नहीं लगानी होती है, सबको आह्वान किया जाता है और उस आह्वान से ही सब काम हो जाते हैं। और हमारा पंचकल्याणक बहुत सुंदर होगा क्योंकि हमारे पास चर्य शिरोमणि आचार्य विशुद्ध सागर आ रहे हैं और उनके तीन शिष्य आज आ चुके हैं और वो पूरी भूमिका बनाएंगे। और महाराज हमारे पास जो आचार्य विशुद्ध सागर है वो 17-18 तक आ सकते हैं, सूरी मंत्र उन्हीं के द्वारा होगा और मोक्ष कल्याणक भी उन्हीं के सानिध्य में होगा। कार्यक्रम अच्छा होगा, ऐतिहासिक होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत अच्छा लगा जानकर, कितनी सहजता से आपने कितनी बड़ी बात और कितनी बड़ी समस्याएं भी सुलझा दी, इसी को कहते हैं तजुर्बा। मित्रों, अब हमारे साथ श्री दिगंबर जैन परिषद के अध्यक्ष श्री जगदीश प्रसाद जैन जी हैं, जय जिनेन्द्र जी, और ये बाऊजी के नाम से विख्यात हैं। तो बाऊजी से हम पूछेंगे कि इतना भव्य जो कार्यक्रम अपना 14 जून से पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव शुरू होने वाला है, उसकी तैयारियां किस प्रकार की चल रही हैं और क्या उसमें आगे की आपकी प्लानिंग्स हैं वो हमें बताइए। बंधुओं, मैं जगदीश प्रसाद जैन, अध्यक्ष आगरा दिगंबर जैन परिषद आगरा, सकल जैन समाज को आज ये संदेश देने जा रहा हूँ कि आगरा में प्राचीन मसीहा जी स्थित भगवान नेमनाथ जिनालय में 41 फुट ऊंचा संगमरमर का धवल मानस स्तंभ का निर्माण, जिसमें 24 भगवान विराजमान हैं, ऐसा भव्य मानस स्तंभ मेरे परिवार के द्वारा निर्मित किया गया है। उक्त मानस स्तंभ के पंचकल्याणक हेतु आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज भोपाल से चल करके 550 किलोमीटर से अधिक चल के उनके 22 पीछियों सहित आगरा में पधार रहे हैं। उनकी प्रमुख 3 पीछियाँ आगरा में आज उनका नगर प्रवेश हो चुका है और ये कार्यक्रम भव्यता के साथ महावीर दिगंबर जैन इंटर कॉलेज आगरा में दिनांक 24 से 21 जून तक संपन्न होने जा रहा है। आगरा के इतिहास में पहला अवसर है कि 22 पीछियों के सानिध्य में यह महामहोत्सव संपन्न होने जा रहा है। इस महोत्सव में देश के विभिन्न प्रांतों से हजारों जैन परिवार सम्मिलित होने जा रहे हैं, जिसमें प्रमुख रूप से प्रमुख देश के प्रमुख संगीतकार राम कुमार अन्न पार्टी भोपाल से आ रहे हैं, सौरभ जैन अन्न पार्टी ये जब दिल्ली से आ रही हैं और अन्य भी जो मतलब शीर्षस्थ कलाकार हैं वो सब आकर के इस आयोजन को संपन्न करने जा रहे हैं। बाणी भूषण पंडित जय कुमार निशान जी वो भी इस कार्यक्रम की प्रतिष्ठा करने के लिए आ रहे हैं। मेरा सकल समाज से अनुरोध है कि इस भव्य आयोजन में पधार करके पुण्यार्जन करें, साथ ही हम लोगों का सौभाग्य होगा, आप आएंगे हमारा सौभाग्य जाएगा, जागेगा, सभी को सादर जय जिनेन्द्र। और मित्रों, अब हमारे बीच हैं कार्यक्रम के मुख्य पात्र सौ धर्मेंद्र इंद्र, और ये है हमारे पीयूष जैन जी आगरा से, हमेशा धार्मिक कार्यों में संलग्न रहते हैं, बहुत से पंच कल्याणकों में, बहुत सी धार्मिक गतिविधियों में जितना इनका धन धान्य से होता है, तन मन से होता है, पूरा योगदान देते हैं और अब इस कार्यक्रम के लिए भी ये बहुत सी मतलब जितनी भी सेवाएं अपनी प्रदान कर सकते हैं कर रहे हैं। पीयूष जी, आपसे जानना चाहेंगे कितने उत्सुक हैं आप इस कार्यक्रम में? इसको जब से पंच कल्याण अनाउंस हुआ है उस दिन से हमारे मन की भावनाएं बिल्कुल बदल गई हैं जी। हम अपने आप को ऐसा फील करते हैं कि भगवान जो तीर्थंकर का जब जन्म हुआ था उस समय जो सौधर्म इंद्र का रोल था वो क्या रहा होगा, हम उसको फील करते हैं और हमको बहुत एक्साइटमेंट है कि क्या ये कार्यक्रम बहुत अच्छा हो और इस कार्यक्रम के अंदर हम अपने जो भी हम पात्र बने हुए हैं हम अपने जीवन में भी ये पात्र उतारना चाहेंगे कि उसके साक्षात उतारना चाहेंगे जी। अच्छा, और भी चीज़ें मैं ये जानना चाहती हूँ, जैसे कि अपना 14 से 19 तारीख का पंच कल्याणक है तो इसके लिए निरंतर बहुत से डायलॉग्स भी होते हैं, तो कितनी तैयारियां आपको करनी पड़ी? बहुत तैयारियां चल रही हैं इसके जो मुख्य कलाकार हैं सौरभ जी हैं वो आ रहे हैं जबलपुर से, उसके अलावा संगीतकार हैं वो राम कुमार जी हैं वो विख्यात हैं, वो आज से 25 साल पहले भी हमने हमारे परिवार द्वारा एक पंच कल्याणक कराया गया था, उसमें भी राम कुमार की एंट्री हुई थी, उससे वो हमारे से जुड़े हुए हैं राम कुमार जी और पंडित जी निशांत भैया जी ठीकमपड़े वाले हैं, उनके दिशा निर्देश में और आचार्य विशुद्ध सागर जी के 24 पीछियों के साथ आ रहे हैं, उनके सानिध्य में ये पंच कल्याण होगा और बहुत भव्य भाव से ये पंच कल्याण होने जा रहा है MD जैन इंटर कॉलेज की फील्ड में और पूरा आगरा इससे जुड़ा हुआ है। और मैं आप लोग के चैनल के माध्यम से सभी लोगों से ये कहना चाहूँगा कि आप भी आइए और कार्यक्रम की शोभा बढ़ाइए। बिल्कुल,
और मित्रों नमोकार चैनल के माध्यम से लाइव प्रसारण, फोटोग्राफी, हर तरह की चीज़ें, प्रस्तुति आप तक पहुंचती रहेगी। ड्रोन कैमरा के माध्यम से भी कोशिश रहेगी कि मुख्य कार्यक्रमों की प्रस्तुति आप लोगों के लिए लेकर आएँ, ताकि जो दर्शक दूर दराज नहीं आ सकते हैं, जो हमारे बुज़ुर्ग इस उम्र में आने में दूर दराज में समर्थ हैं, असमर्थ हैं, तो कहीं ना कहीं उनके सामर्थ्य को बढ़ाते हुए नमोकार चैनल अपनी प्रस्तुति से इस पूरे कार्यक्रम को उन तक पहुँचाएगा और उन्हें भी धर्म लाभ को अर्जित करने का अवसर प्रदान करेगा। सादर जय जी। तो मित्रों अब हमारे साथ श्री दिगंबर जैन शिक्षा समिति के महामंत्री जी हैं, श्री जितेंद्र जैन जी, उन्हीं से हम आज की शिक्षा समिति के विषय में, ये जो कार्यक्रम जो भव्य समारोह है, इसके विषय में कुछ जानकारी प्राप्त करना चाहेंगे। आज श्री दिगंबर जैन शिक्षा समिति का अगले 5 वर्ष के लिए जो प्रबंध कार्यकारिणी का निर्वाचन हुआ, उसका शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन हुआ जी। बहुत ही भव्यता के साथ सम्पन्न हुआ और इसमें हमारे जो 5 बार के चुने हुए पार्षद हैं जी, 5 बार भारी मोहम्मद सिद्धनेत्री राकेश जी जैन पार्षद का स्वागत सम्मान किया गया जी। और जिन्होंने मान स्तंभ के निर्माण कराया है श्रीमान जगदीश जी, उनका सम्मान किया गया। और आगरा दिगंबर जैन परिषद द्वारा संचालित होने वाले पंच कल्याणक महामहोत्सव के जो माता पिता हैं नाभराय के रूप में श्री रूपेश जी LIC और श्री मरदेवी के रूप में माता श्रीमती मनोरमा जी, उनका सम्मान करने का सौभाग्य हम लोगों को प्राप्त हुआ है। ये बहुत ही भव्य कार्यक्रम आज यहाँ MD जैन इंटर कॉलेज के आचार्य शांत सागर सभागार में सम्पन्न हुआ है। सभी को साधारण जय जैन। मैं सुनील कुमार जैन, ठेकेदार, महामंत्री आगरा दिगंबर जैन परिषद आगरा। आगरा समाज का बड़ी सौभाग्य का विषय है, बड़ी हर्ष की बात है कि कई वर्षों बाद आपने मोहल्लों के, कॉलोनियों के, कस्बों के पंच कल्याणक तो होते हैं, पर आगरा दिगंबर जैन परिषद जो सकल दिगंबर जैन आगरा समाज की एक प्राचीनतम संस्था है, 90 वर्ष पुरानी संस्था है, इसके अंतर्गत जितने भी मुनि महाराज माताजी का जो संघ आता है उनको आहार विहार कराने का जो काम करती है वो आगरा दिगंबर जैन परिषद करती है। आगरा दिगंबर जैन परिषद की एकमात्र जगह नसिया जी, जो पुरानी नसिया के नाम से जानी जाती है, माँ बहुत बड़ा मानस्तंभ हमने तैयार किया गया है जिसमें 2400 भगवान विराजमान होने, उन्हीं भगवानों का पंच कल्याणक 14 जून से और 19 जून तक आचार्य विश्व सागर महाराज जी के सानिध्य में होने जा रहा है। मैं सभी से अनुरोध करूँगा, निवेदन करूँगा कि पूरे आगरा समाज का ये पंच कल्याणक होने जा रहा है, आप सभी महिलाएं, पुरुष और बच्चे, युवा सभी इस पंच कल्याणक में पधारें और इस पंच कल्याण को ऐतिहासिक बनाने का कार्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत जय जैन। और ये चैनल जो कि नमोकार चैनल है, और हम कोशिश यही रहेगी हमारी नमोकार चैनल की कि हम इसको लाइव आप तक पहुंचाएं, दिखाएं। शानदार और जानदार टीम नज़र आती है, इसलिए मैं इनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, साधुवाद देता हूं कि ये आगे ऐसी तरह से तरक्की करें, आगे बढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद, जय जैन। मित्रों अब हमारे बीच एक महान शख्सियत है, पूर्व डिप्टी मेयर कह लीजिए या श्री दिगंबर जैन परिषद के पूर्व अध्यक्ष कह लीजिए, और ऐसी अनेकों उपाधियां ये पहले लेकर और छोड़ भी चुके हैं। तो इनसे ही जानेंगे, श्री अशोक जैन जी से, कि इतना भव्य कार्यक्रम हो रहा है, इसके लिए कितना समय पहले से इसकी कार्य जो शैली है, प्लानिंग है, ये सब चल रही है। पूज्य आचार्य सागर जी के मार्गदर्शन में 14 जून से लेकर के 21 जून तक भव्य पंच कल्याणक और महामस्तकाभिषेक का जो कार्यक्रम होने जा रहा है, वह आगरा दिगंबर जैन परिषद के द्वारा लगभग 1-1.5 माह पूर्व से इसकी योजना बना करके इसकी कार्य प्रारंभ किया गया। पूज्य आचार्य श्री से निवेदन किया गया, आचार्य श्री ने सहस स्वीकृति प्रदान करते हुए भोपाल से इसी कार्यक्रम के लिए निरंतर प्रतिदिन 25-30 किलोमीटर चलते हुए वे आ रहे हैं, और उससे पहले उन्होंने अपने संघ के 3 मुनिराजों को यहाँ पर भेजा है, जिनका आज भव्य मंगल प्रवेश छिपिटोला में हुआ है और नशियाजी में मानस्तंभ, जो भव्य मानस्तंभ का निर्माण हुआ है, उसका पंच कल्याणक कार्यक्रम प्रारंभ होगा जी। इस कार्यक्रम के लिए परिषद की विभिन्न टीमें सक्रियता के साथ में लगी हुई हैं और
कार्यक्रम एक ऐतिहासिक कार्यक्रम बने ऐसा प्रयास हो रहा है। भव्य पंडाल का निर्माण हुआ है जो चल रहा है, भव्य रथ यात्रा, शोभा यात्रा और घट यात्रा इत्यादि, जन्म कल्याणक की यात्रा, इन सब के आयोजन बड़ी भव्यता के साथ संपन्न हो, इस सब के लिए परिषद के विभिन्न शैलियों के पदाधिकारी, कार्यकर्ता और परिषद के कार्यकारिणी के सदस्य लगे हुए हैं, ये पूर्ण दिन रात मेहनत करके इसको सफल बनाने की योजना बना रही है। शिक्षा समिति के सदस्य भी लगे हुए हैं जो इस कार्यक्रम को सफलता प्रदान कर रहे हैं। मित्रों, अब हमारे बीच हैं श्रीमती शशि पाटनी जी, जो कि यहाँ पर सांस्कृतिक मंत्री भी हैं। यहाँ मैं आपको, जैसा कि पहले बता चुकी हूँ बहुत सारी वीडियोज़ के माध्यम से, कि आज हम श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर हरि पर्वत आगरा में आए हुए हैं और यहाँ के सांस्कृतिक मंत्री शशि पाटनी जी, जिन्होंने आज के कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर योगदान दिया, और बाकी ये खुद बताएंगी कार्यक्रम के विषय में। जय जिनेंद्र, मैं शशि पाटनी, शशि पाटनी एंड ग्रुप संगीतकार पार्टी है मेरी आगरा में, और मेरा बहुत ही सौभाग्य है कि मुझे यहाँ आज शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में, जो आगामी 14 तारीख से पंच कल्याणक होने वाला है, उसमें आज पात्रों के सम्मान में आज मेहंदी का कार्यक्रम रखा गया था, तो उसमें मुझे आज संगीत देने का सौभाग्य मिला और मंच संचालन मेरे द्वारा ही किया गया था, और जिसकी आप झलकियां नमोकार मंत्र चैनल पे देख सकते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और बहुत बहुत आमंत्रण है आप सबको कि आप सब भी आइए इस पंच कल्याणक में, और बहुत ही जोर शोर तैयारियों से यहाँ पर पंच कल्याणक 14 तारीख से होने वाला है, और विशुद्ध सागर महाराज जी यहाँ पे बहुत ही जल्द पधारने वाले हैं 24 पीछियों के साथ में, और सभी का बहुत बहुत स्वागत है, आप सब आइए। कार्यक्रम का लाइव प्रसारण नमोकार मंत्र चैनल के द्वारा भी किया जा रहा है, आप सब नमोकार मंत्र चैनल को देखिएगा, और बहुत बहुत शुभकामनाएं। मित्रों, अब हमारे साथ हैं जो भावी पंच कल्याणक आगरा का है, मैंने बताया तो वहाँ की कुबेर इंद्राणी श्रीमती ऋचा जैन जी। वैसे भी आप जानते हैं कि कुबेर का सारा खजाना तो उनकी इंद्राणी के पास ही होता है, तो जानते हैं कि ये जब आपको रियल लाइफ में एक एक्ट प्ले करने का भी अवसर मिल रहा है पंच कल्याणक में, और सच में तो आप हैं ही, तो कैसा मतलब एक्टिंग में और रियल लाइफ में क्या डिफरेंस फील किया? ऐसा मौका हमें मिला है, ये बहुत ही अच्छा मौका है, बहुत ही भाग्य से ऐसा मौका मिलता है जी। और अब देखते हैं कैसा और मनोहर लगता है ये सब रोल करने में, लेकिन ऐसा मौका मिलके अभी से ही बहुत प्रसन्नता हो रही है। तो ये धन कुबेर जी है, सारा खजाना जो इनका इंद्राणी संभालती है, तो मतलब कैसा फील हो रहा है कि तो रोजमर्रा की जिंदगी का होगा आपका एक? बहुत ही अच्छा मौका है और हम बहुत भाग्यशाली है कि हमें इतना अच्छा मौका मिला और हमें पंच कल्याणक में भाव लेने का मौका मिला।